ओके नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आपके लिए दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी रोड है, मतलब छोटी सी रोड है, उसके अंदर गाड़ियां भी खड़ी हुई है और उसके अंदर से आपकी अपनी कार को लेके जानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जजमेंट बहुत काम की चीज पड़ती है और जजमेंट आप जितना आप कॉन्सेंट्रेट करोगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और जब भी आप इस तरह से पतले रोड के अंदर, छोटी सी रोड के अंदर एक ही कार पास हो सकती है, ठीक है, वो उस तरह के रोड के अंदर अगर आपको सामने से कोई आता है, अगर आप जाते वक्त कोई आता है तो उनको डिपर मारिएगा, मतलब हाई बीम देके एक सिंबल दीजिएगा ताकि आपको पहले से जाना है और आप जाने वाले हो करके, ठीक है। ऐसे गड़बड़ मत किया कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जब भी आप गाड़ी को इस तरह से छोटी रोड के अंदर पास करते रहते हो ना, उसके अंदर आपकी पिलर्स लेफ्ट एंड राइट पिलर को मानते हुए आपकी गाड़ी की जजमेंट को लेनी होती है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप स्लो ही चलाया कीजिएगा क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया रहती है, कोई बच्चा वगैरह अगर रोड के सामने धट से आ जाता है तो आपको ब्रेक करने के लिए टाइम होनी जरूरी होती है, ठीक है। ये देखिए मैं अपनी गाड़ी को सेकेंड गियर में ही चला रहा हूँ, ठीक है। और देखिए मैं अपनी कार को किस तरह से मैनेज करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी कार की जजमेंट में ले रहा हूँ अपने पिलर के अनुसार ही, क्योंकि क्या होती है यहाँ पर देखिए छोटी सी रोड है, मेरे अपनी एक कार ही गुजर रही है, यहाँ पर आप ओवरव्यू में भी देख सकते हो एक छोटी सी कार गुजरने वाली है। इसी तरह से आपको अपनी जजमेंट पक्की करनी होती है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं अभी आपको, अभी मुझे जाके सीधी जानी है या फिर मुझे राइट लेफ्ट में जाके छोटी सी रोड के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मुझे लेफ्ट में जानी है तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट इंडिकेटर लगा दिया, सेकंड गियर में था, सेकंड में गियर में ही है गाड़ी। ये देखिए इस तरह से छोटी रोड के अंदर आपको देखिए सामने ऑब्जेक्ट आ गई है तो मुझे ही रोकना पड़ेगा। वो देखिए डिपर मारा ना अभी वो, क्योंकि अगर मैं वहां पर घुसेड़ता तो मेरी गाड़ी जो है चल नहीं जा नहीं सकती, तो वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करनी होती है। देखिए ये देखिए इस तरह से देखा ना अभी आपने, रियल टाइम एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। तो इस टाइप के रोड के अंदर अगर आप चल रहे हो तो आपको डिपर मारना जरूरी होती है ताकि आपको सामने आने वाले ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करनी होती है, ठीक है। ये देखिए जितना छोटे रोड से, तो यहाँ पर आपकी गाड़ी सेकंड गियर में रखिए, इस तरह के रोड के अंदर आपकी गाड़ी थोड़ी सी आगे छोड़ के आपको टर्न लेनी होती है। अगर तुरंत ही टर्न ले लेते हो तो आपकी पीछे की पार्ट है उस ऑब्जेक्ट को जाके लग सकती है। यहाँ पर देखिए कितनी छोटी रोड है, एक ही कार जा सकती है और एक ही कार फिट बन सकती है इस रोड के अंदर। तो वहाँ पर गड्ढे भी रहते हैं, ऐसे वैसे कुछ कचरा भी रहते हैं, उसको सभी आपको मिस करनी होती है, ठीक है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आराम से स्लो चलिएगा, बिल्कुल भी आराम से, धीरे धीरे से आपको चलनी होती है। देखिए पिलर्स, आपकी दोनों पिलर्स रोड के बिल्कुल सेट हो रहे हैं, मतलब जय श्री राम। ये देखिए बाइक्स वगैरह खड़े रहते हैं, आपको ध्यान रखनी होती है उसकी, ठीक है। छोटी सी रोड के अंदर आपके पिलर्स ही काम आएंगे, ये बात मैं हमेशा आपको बार बार बोल रहा हूँ, खूब प्रैक्टिस की जाए। देखिए मुझे अभी राइट टर्न लेनी है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी कार को आगे छोड़िए, आगे छोड़ के, अरे 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 क्या रोड है यार, आगे छोड़ के टर्न ले या कीजिएगा इस तरह से, जैसे कि मैं अभी ले रहा हूँ, ठीक है। रोड बहुत बर्बाद हो गए यार, ये देखिए, तो इस तरह से आपको टर्न लेनी होती है जैसे कि मैं भी ले रहा हूँ। अरे यार इस तरह के रोड के अंदर आपकी गाड़ी सेकेंड गियर में ही मौजूद कर किया रखिएगा, ठीक है। ओ माय गॉड, अगर पूरी रुक गई है तो फर्स्ट गियर में ही लेके आओ, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी आपने देखा ना छोटी रोड के अंदर किस तरह से आपकी कार को जजमेंट करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, आप पिलर्स को मानते हुए चलिएगा। थोड़ी सी विंडशील्ड मतलब डस्टी है, प्लीज सॉरी फॉर इट। दोस्तों आप पिलर्स को मानते हुए चलिएगा और साथ साथ भी सेंटर पॉइंट को भी रेफरेंस लिया कीजिएगा। और एक और बात है दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के आप इस तरह के रोड के अंदर मत उतरिएगा, क्योंकि आपको परेशानी होती है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती है और उसके साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है कम होने लगती है। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू दैट पक्की हो जाएगा, फर्स्ट आप जजमेंट के ऊपर पक्के हो जाओ, उसके बाद ही आप इस तरह के रोड के अंदर उतर आया कीजिएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया हूँ आपके लिए समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो में एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो हमें प्लीज सब्सक्राइब करके चले जाएगा, ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ सेफ ड्राइव अहेड दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।